श्री रूप गोस्वामी कृत श्री पद्यावली से उद्धृत नाम जप महिमा पार्ट टू में हम पढ़ते हैं एक श्लोक। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते सातंकम नखरज्ञनिम कलयति श्री चित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्युदमम वक्तुम नामनी तवेश्वरा बिलशिते भूमः किमन्यत परम। अर्थात हे ईश्वर, आपके नाम के उच्चारण की कोई इच्छा मात्र ही करता है तो उसकी क्या अवस्था होती है यह मैं बताता हूँ। नाम जप की इच्छा करने वाले भक्त के सारे पाप भय से कांप उठते हैं क्योंकि अब उन्हें देह छोड़कर जाना होगा। मोह मूर्छा को प्राप्त होता है क्योंकि अब उसमें विषय वासना की तरफ फिर से साधक को मुग्ध करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। यमपुरी का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी पापियों की सूची में से उसका नाम मिटाने के लिए नहरनी ढूंढने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इस नाम जप की इच्छा रखने वाले जीव का नाम तो मैंने पापियों की श्रेणी में लिख रखा है, पर अब तो यह नाम जप अतः इसका नाम पापियों की श्रेणी से हटा देना चाहिए, नहीं तो श्री राम महात्मा सिद्ध ज्ञाता श्री यमराज जी वही मुझ पर कुपित न हो जाएं। इसमें ही ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि यह नाम जप की इच्छा करने वाला जीव अवश्य ही ब्रह्मांड को भेद कर भगवत धाम को जाएगा। ऐसा सोच वे उस जीव का स्वागत करने के लिए आनंद पूर्वक मधुपर्क तैयार करने लग जाते हैं। अतः हे प्रभु, आपके मंगलमय श्री नाम का महात्म्य इससे अधिक और क्या कहें। जब नाम जप करने के विषय में सिर्फ सोचने मात्र की इतनी महिमा है तो नाम जप कर रहे भक्तों की क्या महिमा होगी। नाम प्रभु को प्रेम से स्वीकार करने वाले भक्तों की क्या महिमा होगी। नाम प्रभु और नाम प्रभु को प्रेम से स्वीकार करने वाले भक्तों की जय। तो ये श्री रूप गोस्वामी द्वारा हमने नाम जप की महिमा के बारे में पढ़ा श्लोक और उसका अर्थ। तो बड़े बड़े आचार्यों भक्तों वैष्णवों के मुख से हम लोग इतनी नाम की महिमा सुनते हैं, लेकिन हम लोग कहीं उस महिमा को स्वीकार करने में पिछड़ जाते हैं। उतनी महिमा नाम की नहीं भी समझ आती है, नहीं भी बुद्धि स्वीकार करती है, तो भी नाम जपते रहो। नाम जपना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कलयुग में। नाम जपते रहो, मन नहीं लग रहा तो भी जपते रहो, हर हाल में नाम जपते। विष तो विष होता है, थोड़ी भी मात्रा में लिया जाएगा तो वो तो मृत्यु निश्चित है विष खाने के बाद। तो उसी प्रकार नाम थोड़ी भी मात्रा में अगर रख लिया या उसका आस्वादन कर लिया तो कल्याण निश्चित है। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले नाम जप में श्रद्धा बढ़ाइए, और नाम जप में श्रद्धा आएगी नाम जप की महिमा सुनने से, नाम जप करते रहने से। वो नाम, वो राम नाम जो पत्थर भी तार देता है, वो हम जैसों का उद्धार नहीं कर देगा। जिसका नाम ले रहे हो उसकी उसके कान आपके नाम, आपकी वाणी से जपे गए नाम को सुन रहे हैं, उसकी दृष्टि आप पर है, वो आपको देख रहा है और हर घड़ी आप पर उसने नजर रखी है। तो नाम जप करते रहना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि नाम ही हम पर दृष्टि रखे हुए हैं। और फिर जिसका नाम ले रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हो जाती है आपकी रक्षा करना, आपकी सुरक्षा करना, आपका ध्यान रखना। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब प्रश्न ये उठता है या ये पूछा जाता है कि मेरी तो रुचि नहीं है नाम जप में, मैं क्या करूं। तो उत्तर ये होता है हर बार कि नाम जपते रहिए, रुचि अपने आप आएगी। एक दिन नाम जपते रहेंगे तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और वही रुचि नाम प्रभु के प्रति, वही रुचि उद्धार का कारण बनेगी, और यही रुचि भवसागर से पार लगा दे। जब जाने अनजाने नाम लिया जाता है तो उससे सुकृतियाँ एकत्रित होती हैं, और ये सुकृतियाँ हमें आचार्यों की शरण तक लेके जाती हैं, और यही आचार्य गण होते हैं जो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, और आचार्यों द्वारा जो मंत्र प्रदत्त होता है वही हमें भवसागर से पार लगा सकता है।
और आचार्यों का आश्रय ही हमें कृष्ण प्रेम दिला सकता है। आचार्यों का आश्रय, आचार्यों की शरणागति, आचार्यों का आश्रय ही हमें कृष्ण प्रेम तक ले जा सकता है, और कोई साधन है ही नहीं। आचार्यों द्वारा प्रदत्त मंत्र गोलोक की सेवा प्रदान करने में सक्षम होता है। नाम जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो। मंत्र किसी किसी संप्रदाय विशेष का या किसी संस्था विशेष का कोई एकाधिकार नहीं होता नाम या मंत्र पे। नाम सबका है, श्रीहरि सबके हैं, कृष्ण सबके हैं। तो नाम जप करना हम सबका कर्तव्य है। हमको एक सुंदर जीवा, सुंदर बुद्धि प्रदान की है कृष्ण ने, तो कृष्ण का नाम जपना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और जब हमारी जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे, तो नाम जप रहे हैं जिस नामी का हम, वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करने में पीछे नहीं हटेगा। 108 उपनिषदों में व्यास देव ने लिखा है, और ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में उद्धार का एकमात्र साधन है। और यही सारे वेदों का सारांश भी है। हरे कृष्ण महामंत्र सारे वेदों का सारांश है। यही निर्णय पे कलि संतरण उपनिषद पहुंचता है। नाम जप हम ठीक से अगर नहीं भी कर पा रहे तो नामाभास भी एक स्थिति होती है नाम जप करने की। वो नामाभास भी उद्धार कर देगा। नामाभास भी अजामिल के उदाहरण में हम देखते हैं कि नामाभास से भी उद्धार निश्चित हो जाता है। बस प्रयास करते रहे, ये प्रयास अपनी तरफ से प्रयास मत छोड़िए। प्रयास निश्चित फल मिलेगा, निश्चित फल मिलेगा। भरोसा रखिए, उत्साहित रहिए। ये कोई नाम जब कोई सांसारिक कर्म नहीं है जिसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है, कि आप आज आपने जो काम कर्म किया उसका परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं। जो भी आप कर रहे हैं वो तो कर्म करते जा रहे हैं, फल तो आपको पता ही नहीं क्या मिलने वाला है। ये नाम जप जो है ये आध्यात्मिक कर्म है जिसका फल निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और फल क्या मिलेगा वो आपके प्रयास में निहित है, कि आपने कितना प्रयास किया उसमें निहित है कि आपको क्या फल मिलेगा। इसमें नेगेटिव कभी नहीं होता, आध्यात्मिक पथ पे नेगेटिव कभी नहीं होता, नकारात्मक कभी नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक कदम आप आगे ही बढ़ते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप नाम जपते रहिए, आप एक कदम आगे ही बढ़ते रहिए। और जितना प्रयास करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे, उतना जल्दी आगे पहुंचेंगे। तो हम जटायु के उदाहरण में देखते हैं कि जटायु ने प्रयास किया सीता महारानी को रावण से बचाने का, परंतु वह नहीं बचा पाया। यहाँ पे क्या रहा, बचा पाना परिणाम होता, लेकिन नहीं बचा पाया। लेकिन उसके बावजूद जटायु के प्रयास ने श्री रामचंद्र के हृदय को जीता। श्री रामचंद्र ने उनकी गति निश्चित कर दी। श्री रामचंद्र ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। तो हम कह सकते हैं कि आप प्रयास करेंगे तो आप ही आध्यात्मिक और भौतिक रक्षा नामी स्वयं करेंगे, नामी स्वयं करने आएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपकी रक्षा करें अगर आप उनका नाम जप करते हैं तो। डाउट नहीं करना है, शंका नहीं करनी है, क्योंकि हमारी शंका, हमारा डाउट अविश्वास दिखाता है, और अविश्वास से अप्रसन्नता उत्पन्न होती है। जो नाम जापक रहता है, हर शास्त्र कहता है कि जो नाम हर आचार्य कहते हैं या इतिहास के नाम जापक कहते हैं कि जो नाम जपने वाला होता है, जो नाम जापक होता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। तो अविश्वास आपकी अप्रसन्नता का कारण बनेगा, और आपकी अप्रसन्नता ये बताएगी कि आपका जप में कितना दृढ़ विश्वास है। तो आप प्रसन्न रहिए, क्योंकि नाम जापक हमेशा प्रसन्न रहता है। इतना भरोसा कीजिए कि आपने अगर नाम प्रभु को अपना 100% दे दिया तो नाम प्रभु आपकी रक्षा, नामी आपकी रक्षा स्वयं करने आएंगे, आध्यात्मिक भी और भौतिक रक्षा भी। 9.22 श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, नाश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है उसके सारे क्षेम मैं वहन करता हूँ, भगवान स्वयं बोलते हैं। तो नाम जापक के सारे जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठाते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं भगवद गीता।
तो जब भगवान ये भरोसा दिलाते हैं, भगवान ये गारंटी कार्ड हमारे हाथ में देते हैं, तो विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ नाम जप करना है। और वो ये नाम जप उद्धार करेगा, यही नाम जप भवसागर से पार लगाएगा। निर्भय होके मन बुद्धि अहंकार सब झोंक के नाम जप में लग जाइए, क्योंकि वही नाम जप उद्धार करने वाला है, वही प्रसन्नता का कारण बनेगा, वही अंतिम लक्ष्य प्राप्ति का कारण बनेगा। तोते की तरह नहीं रट के प्रयास कीजिए, हृदय से नाम जप करें, प्रयास कीजिए मन बुद्धि से, हृदय से नामी को पुकारें, नाम जप में मन लगाएं। हम कितने सारे इतिहास में उदाहरण देखते हैं जब दिल से मन से पुकारने पे भगवान ने अलग रूप धारण कर लिया। जैसे हम माधवेंद्रपुरी के उदाहरण में देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने मन से श्रीहरि को जब याद किया, तो वो माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरा गोपीनाथ बन गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी की हम कहानी जानते हैं कि वो शालिग्राम की सेवा एक विग्रह की तरह सजा संवार के करना चाहते थे, उनका श्रृंगार करना चाहते थे, तो भगवान राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। जो आज भी हम विग्रह देखते हैं, कितने खूबसूरत विग्रह हैं, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन से निकले हुए या मन की इच्छा प्रकट पूर्ण करने के लिए वो विग्रह हमारे बीच में आज भी हैं। गदाधर पंडित का हम उदाहरण देखते हैं। गदाधर पंडित शरीर बूढ़ा हो जाने के कारण सेवा करवाने में असमर्थ हो रहे, गोपीनाथ पद्मासन में बैठ गए ताकि वो गदाधर पंडित की सेवा प्राप्त कर सकें। उनके दुख को नहीं देख पाए, उनके मन की व्यथा को गोपीनाथ नहीं सह पाए, तो वो पद्मासन में बैठ गए स्वयं भगवान। तो ये कितने सुंदर उदाहरण हम देखते हैं कि मन से जब श्रीहरि के प्रति सेवा भाव या श्रीहरि के प्रति समर्पण भाव आता है, तो श्रीहरि भी रिस्पॉन्ड करते हैं, श्रीहरि भी उसका प्रति उत्तर देते हैं।